और झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 4 से 5 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर साहिबगंज पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री 3 जनसभा को संबोधित करेंगे और करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री करोड़ों की परिसंपत्ति का वितरण भी करेंगे। इसे लेकर साहिबगंज जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। बता दें, 2 दिवसीय साहिबगंज दौरे पर है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। 4 और 5 सितंबर को मुख्यमंत्री दौरा करेंगे, जिस दौरान वो करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री करोड़ों के परिसंपत्ति का भी वितरण करेंगे। आपको बता दें, इसे लेकर साहिबगंज जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सनी हमसे जुड़ चुके हैं। सनी, 2 दिवसीय साहिबगंज दौरे पर है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कहा जा रहा है करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास होगा। अभी किस तरह की स्थिति है, प्रशासनिक तैयारियां किस प्रकार से कर ली गई है? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी दिन के 3:30 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो यहाँ के बड़े क्षेत्र के जो फुटबॉल मैदान है सीमल डाप में, वहां पे आएंगे और भीड़ काफी उमड़ पड़ी है उनको सुनने के लिए। और यहाँ 2 दिवसीय कार्यक्रम में वो साहिबगंज जा रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि आज करोड़ों की संपत्ति परिसंपत्ति वितरण करेंगे, साथ ही जो युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे और यहाँ से बहुत सी योजनाओं का जो शिलान्यास करेंगे। जी जी सर, किस तरह की योजनाओं का शिलान्यास करने की बात अगर सामने आई है, ये बता सकते हैं आप? जी, मैं आपको बता दूं कि जो सूत्रों के से वाले जो खबर मिली है वो ये है कि यहाँ पे जो नियुक्तियां के अलावे बहुत सारे जो है सड़क वगैरह जो है, उसके बाद पिछले बार जैसे ट्रैक्टर वगैरह का जो ये किए थे, वितरण किए थे, उसके बाद कुछ कुछ योजनाएं हैं जैसे सड़क वगैरह हो गया और कुछ हॉस्पिटल वगैरह का भी जो है वो बात हो रही है कि वो शिलान्यास करेंगे। जी जी सनी, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो ये आपको बता रहे थे कि साहिबगंज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 2 दिवसीय दौरा है, जहां करोड़ों की योजनाओं का मुख्यमंत्री शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। और ये योजनाएं जो हैं सड़क से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित है, तो ये देखने वाली बात होगी कि साहिबगंज को मुख्यमंत्री की ओर से क्या सौगात मिलती है।